हाय गाइस, तो अभी हम तोड़ रहे हैं सेब। ये है हमारा खेत, इसका नाम है माउट नाम है इस जगह का। और यहाँ पे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये। आई थिंक जो हमारा गांव वाला घर है वहाँ से 15 मिनट्स लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं आपको बगीचा दिखाऊँ तो ये बगीचा हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो नीचे वो दिख रहा है ना आपको, एक शेड सा बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर ऊपर तक, जो ऊपर आपको यहाँ तक, यहाँ जो ये झाड़ियाँ सी है यहाँ तक, और वो पार से लेकर एकदम कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नीचे तक। ये जो जालियाँ लगी है ये सारी हमारा बगीचा है। और आज हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे रेड गोल्डन, जिसे एक वैरायटी है सेब में रेड गोल्डन, वो हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं। जितने भी हमारे बगीचे हैं सब में हम सिर्फ पहले रेड गोल्डन तोड़ रहे हैं, फिर वो जब ख़त्म हो जाएगा, उसकी पैकिंग हो जाएगी, वो बिक जाएगा, तब फिर वापस चक्कर पूरे खेतों में, मतलब 2 से 4 बार चक्कर मारना पड़ता है खेतों में बार बार। तो उसके बाद पैकिंग होती है, फिर ज़्यादा जाकर बिकता है, बहुत काम रहता है। और मैं आपको ना जो हमारा गोडाउन है वहाँ का भी प्रोसेसिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से मशीन में जाता है, फिर किस तरह से साफ़ होता है, व्हाटएवर जो भी है, मतलब वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो ये बगीचा है हमारा, यहाँ पे एक नया पुराना हमारा घर है, मैं इसको नया पुराना नाम दूंगी क्योंकि हमने अपने गांव वाले घर के भी बाद बनाया था। पर मैं आपको अगर यहाँ की हालत दिखाऊँ तो बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ रहता कोई नहीं है। हम जो हमारे बहादुर आते हैं नेपाल से, उनको हम यहाँ पर रखते हैं जब वो काम के लिए आते हैं, 2 से 3 महीना तभी हम उनको यहाँ पे काम के यहीं पे रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का हमारा ये घर है। देखिए गाइस, यहाँ पे वो खाना वाना बनाते हैं और ये बहुत प्यारा है। यहाँ पे अभी ना आंगन जो है ये बहुत ही सुंदर आंगन था, यहाँ पे सब रोड़ी से इकट्ठा हो गया, घास उग गई, बहुत ही गंदा है। और अभी मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ, यहाँ से इसकी एंट्री है गाइस। लुक, ये है हमारा नया पुराना घर, जाके दिखाती हूँ। ये है यहाँ की एंट्री, जिसमें कि डोर लगा है बड़ा प्यारा सा। देखिए ये कितने अच्छे लगे थे यार, गोल्डन कलर के। तो यहाँ पे एंट्री है इसकी, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे बड़ा सा एक कमरा है, मिट्टी की वो लपाई इसमें करी हुई है हमने ना, और नीचे ये घर बनाना था इसलिए रोड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई है इसमें, आप देख सकते हो। इसके ऊपर ये जालियाँ जो नेट्स लगाते हैं हम पेड़ों में, वो लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रूम था इसका, यहाँ पे हमने वो रखा हुआ है सब, घास घूस पता नहीं क्या क्या रखा है। देन नेक्स्ट ये एक और रूम है, यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई है, ईंटों का भी हमने उसमें कुछ करना होगा जो कि हमने करा नहीं अभी। बहुत सारे घर हो ना, मतलब हमारे हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारे 3 घर हैं, और 3 घर में मैं थोड़ा सा मास्क वास्क वेयर किया हुआ है, ग्लेवर्स वगैरह सर पे, ढाटू कहते हैं इसे, वो लगाया हुआ है ताकि धूप से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखूं। और यहाँ पे ये सब कुछ है। देन एक और रूम है, 4 रूम है नीचे वाले फ्लोर पे, यहाँ पे हम गाय को रखते हैं। अभी लाइट बंद है रूम्स में गाइस, ये हमारा घर इतना ख़राब बेचारा हमने रखा हुआ है कि नीचे वाले फ्लोर में रूम में गाय रखते हैं। और यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, बहुत ही सुंदर सी। यह है यहाँ का ऊपर वाला फ्लोर, जिसमें कि सब में ताले लगे हुए हैं। किसी दिन मैं जब नेक्स्ट बार हम आएंगे तो मैं इसके लिए कीज़ भी लेकर आऊँगी, तब आप देखना कि किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पे। सारे रूम्स में ताले लगे हुए, ये कंडीशन में सही है ऊपर वाले फ्लोर। तो ये है हमारा प्यारा सा नया पुराना घर की ओर, दूसरे वाले बगीचे की ओर। हाथू जो मैंने पहना है अभी, इस तरह से इसको वेयर करते हैं, कुटखाई या आप अपर हिमाचल में कह लीजिए, और इस तरह से ही इसको वेयर किया जाता है। और लड़कियां इसको वेयर नहीं करती है, लेडीज़ इसको हमारी साइड वेयर करती हैं आफ्टर मैरिज। अगर आपकी किसी पहाड़ी से शादी होती है तो आपको ये वेयर करना मैंडेटरी होता है, मतलब घर में या कोई फंक्शन है, मतलब वैसे अप टू यू, अगर आप दुपट्टा भी डालना चाहते हैं तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, बट ये थोड़ा एक ट्रेडिशन में आता है तो आपको वेयर करना होता है। पर मैं सच बताऊँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है वेयर करना, ये मैं धूप को अपने आप को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया है। और ये हमारा बहादुर है। हो गया बार ख़त्म, अब तो नहीं जाने की जरूरत। कितनी वैरायटी हुई सारी, इसको ढूंढने आई थी ना, बहुत ही टेस्टी पानी मिलता है। मिलता है, लाया हुआ है। हाँ मतलब मिलता है, लाया हुआ है। लाया हुआ कहाँ से? यहाँ से, पीछे से।
हाँ मतलब चश्मे वाला पानी रहता है, नेचुरल वाटर। गाइस बहुत ही अच्छी जगह हम रहते हैं, यहाँ पे नेचुरल वाटर ही नेचुरल वाटर मिलता है हर जगह से। यहाँ पे कुछ लोग घास भी काटने लग गए हैं, हम थोड़े से लेट हैं सेब तोड़ने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, हमारी जो लेबर आनी थी नेपाल से जो हर साल आती है, वो आई थिंक हमारे पास 10 से 12 सालों से लगातार आ रही है, वो मतलब आते 6 से 7 बहादुर, और वही हमारा हमेशा काम करते हैं 7 सालों से। इस बार एट द एंड मतलब एंड मोमेंट पे उन्होंने हमें धोखा दे दिया, एंड मोमेंट पे जाके वो बोलते कि हमने अब नहीं आएंगे हम, तो इसलिए हम थोड़े से डिले हो गए। अदरवाइज़ वैसे हमारा चल ही रहा होता है इस टाइम। यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा है, देखिए घास काट के रखा है लोगों ने, अब इसको सुखाएंगे कुछ टाइम तक, लाइक 10 से 12 दिन, नहीं नहीं कितने दिन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं गलत, कितने 4 दिन 2 दिन मतलब 3 से 4 दिन सुखाते हैं, अगर ज़्यादा धूप लगी 2-3-4 दिन में सूख जाता है, उसके सूखने के बाद फिर बस फिर इसकी टोली लग जाएगी। टोली मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है टोली। हमारा खाना पहुंच गया है घर से खेत में। गाइस जिसको ये लग रहा होगा कि आपने ग्लेयर्स क्यों लगाई है, आप तो खेत में काम करने आए हो, आप ग्लेयर्स लगाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग शहर जाते हो या कहीं मार्केट जा रहे हो या कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो आप ग्लेयर्स लगाते हो, उस टाइम आपको धूप लगती है। जब आप खेत जाते हो काम करते हो तब धूप नहीं लगती क्या? तब भी तो धूप है ना, तब तो ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आईज़ को। तो आप समझ गए आई थिंक मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप फैशन के लिए नहीं लगाते हो ग्लेयर्स, हम लगाते हैं आईज़ प्रोटेक्ट के लिए। हमें शहरों में भी धूप लगती है आँखों में अगर आपको आदत है, और गाँव में भी लगती है, तो इसलिए ये ग्लेयर्स लगाई गई है। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी आंसर नहीं मिला है तो इट्स अप टू यू, जो भी आप सोचना चाहते हैं। गाइस आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मेरा भाई है गाइस क्यूट। देख तू लो इधर, साले देखी थोड़े तो सरकार भले वाले तार दा तू देखी तो इसमें डाल दे, हमने दिया नहीं अभी तो बैग। ये गाइस हमारा जो सीज़न है वो जोरों शोरों पे चल रहा है और सभी लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आज हमारे 10 बहादुर हैं और 6-7 हम खुद हैं, मतलब पूरे बगीचे में आज 15 लोग हैं आई थिंक। तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे बगीचे में जाना। वैसे जल्दी जल्दी ख़त्म होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सेब, पर इस बार थोड़े से कम लगे हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक। अभी लंच का ख़त्म, फिर हम दूसरे खेत में चलेंगे। बताओ रिंजल, बताओ मजा आ रहा काम करके हैं? पीके कैसा लग रहा है चाय पीके? पीके कैसा लग रहा है चाय पीके? बोले तो कान दूर हो रही है, ऐसा क्यों नहीं बोल? और कैसा लग रहा है चाय पीके?